नमस्कार। आज हम बात करेंगे सूर्य देव के कुंडली के फिफ्थ हाउस के बारे में। फिफ्थ हाउस जो हमारे संतान और शिक्षा का है, और इस घर में सूर्य देव अपने खुद की सिंह राशि में होते हैं। सिंह राशि क्योंकि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से यहाँ पांच नंबर की राशि आती है, और पांच नंबर की राशि सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव खुद हैं। तो अपने घर में जब सूर्य देव आके बैठेंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा ही शुभ प्रभाव देंगे। और इस घर के कारक ग्रह उनके मित्र बृहस्पति देव हैं, तो यहाँ पर सूर्य देव बड़ा ही शुभ देने वाले हैं। पर कुछ कंडीशन ऐसी भी हैं जब यहाँ बैठे सूर्य देव अशुभ फल भी देंगे, उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने सूर्य देव के कुंडली के प्रथम भाव, सेकंड भाव, तृतीय और फोर्थ चार घरों के बारे में बात की थी। जो लोग फर्स्ट टाइम सूर्य देव का ये वीडियो देख रहे हैं वो फर्स्ट हाउस का वीडियो जरूर देख लें, क्योंकि उसमें हमने सूर्य देव की फर्स्ट हाउस में शुभ और अशुभ हालात के साथ ही उनकी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी शेयर की थी, जिससे आपको आगे की वीडियो या ये वीडियो समझना आसान हो जाएगा। अब फिफ्थ हाउस के सूर्य देव के लिए जनरली क्या लिखा गया है, परिवार की उन्नति का मालिक। ऐसा व्यक्ति अपने परिवार की उन्नति का कारण बनता है, अपने परिवार के सभी लोगों को वो एक उन्नति के शिखर पर ले जाता है, सबकी बहुत मदद करता है और नेकदिल इंसान कहा गया है। औलाद के दिन से रोटी पानी में बरकत होगी। ऐसे व्यक्ति के यहाँ जिस दिन औलाद पैदाइश हो जाएगी उस दिन से उसके कारोबार में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिलती है। और मशरिकी पूर्वी दीवार, मशरिकी मीन्स पूर्वी, मशरिकी उर्दू वर्ड है, तो पूर्वी दीवार के साथ रसोई बनाना मुबारक होगा। ऐसा व्यक्ति अपने घर की अगर ईस्टर्न वॉल पूर्वी दीवार के साथ रसोई बनाता है तो ये उसके लिए बड़ा शुभ फल देगी। नेक्स्ट है दो धारी तलवार, सफा दिल तो सब कुछ उमदा। ऐसा व्यक्ति अगर नेक दिल इंसान है तो बहुत उमदा, दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखता है, दूसरों की मदद करता है, तो यहाँ बैठे सूर्य देव निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा उसे बरकत देंगे। मगर जब कीना साज, कीना साज मीन्स मन में ईर्ष्या जलन रखने वाला, ऐसे व्यक्ति जब दूसरे के प्रति मन में ईर्ष्या जलन या किसी तरह का कपट या दूसरे को धोखा देने की भावना अपने मन में रखता है तो यहाँ बैठे सूर्य देव के अशुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे। तो कहा गया है कि मंदी किस्मत से खुद ही जलता होगा। ऐसा व्यक्ति बहुत ज्यादा आर्थिक तंगी के दौर से गुजरता हुआ देखा गया है अगर वो दूसरों के प्रति गलत सोच रखता है। मगर राय दरबार से ताल्लुक, यानी कि राय दरबार के संबंध में और औलाद के संबंध में फिर भी मंदे हालात नहीं होंगे, यानी कि औलाद भी अच्छी होगी और राज दरबार से जुड़ के अगर वो कार्य करता है या राज दरबार के संबंध तरफ से किसी तरह की कोई परेशानी ऐसे व्यक्ति को देखने को नहीं मिलती है, और अगर राज दरबार से कोई कार्य करता है तो लाभ भी प्राप्त करता है। अब बात करते हैं सूर्य देव की कुंडली में शुभ हालत के बारे में, और उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अशुभ हालत के बारे में। अशुभ हालत में पहला पॉइंट है मंगल फर्स्ट हाउस या एट्थ हाउस, बुध थर्ड हाउस या सिक्स्थ हाउस, और राहु केतु शनि पापी ग्रह नाइन्थ हाउस या इलेवेंथ हाउस। कहा गया है कि बुढ़ापा हमेशा उम्दा, ऐसे व्यक्ति का जो ओल्ड एज है, बुढ़ापा है, वो बहुत अच्छी हालत में रहता है। बुढ़ापे में उसे किसी प्रकार की असुविधा नहीं होती, हर प्रकार के सुख उसे मिलते हैं। और यहाँ पर इस कंडीशन में जो पांचों ग्रह हैं कुंडली में, मंगल बुध राहु केतु शनि, इन पांचों ग्रह के पर अच्छे प्राप्त होते हैं। ऐसे में व्यक्ति के जब पांच ग्रह ये और साथ में सूर्यदेव बुध कुंडली में अच्छे होंगे तो निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति सफलता प्राप्त करता है। सेकंड कंडीशन है बृहस्पति नौ में या बारह में, चंद्रमा चार में और सूरज कायम। सूरज कायम मीन्स सूरज जब अच्छी कंडीशन में हो, किसी और रूल के कारण सूरज खराब ना हो रहा हो, जैसे कि हम यहाँ पर रूल डिस्कस करते हैं, तो सूरज खराब ना हो रहा हो, सूरज अच्छी कंडीशन में और बृहस्पति नौ बारह में और सूर्य चंद्रमा चार में है। तो कहा गया है कि बादशाह की जिंदगी का मालिक, ऐसे व्यक्ति की जिंदगी एक बादशाह की तरह होती है, वो जीवन के अंदर सब कुछ प्राप्त करता है। और ऐसे व्यक्ति के जीवन में कभी भी हालात किसी भी तरह के आ जाएं, वैसे तो आते नहीं है, पर अगर आ जाए तो उसका रिजक, रिजक मीन्स रोजी रोटी कभी बंद नहीं होती, इस चीज की उसे कभी भी समस्या जिंदगी में ईश्वर नहीं देता।
नेक्स्ट रूल है शनि 11th हाउस, अगर शनि 11th हाउस में आ जाए सूर्य 5 के समय, तो कहा गया है हर तरह से बरकत होगी, औलाद की तरक्की, माता पिता का सुख, लंबा अरसा। ऐसे व्यक्ति की हर तरह से तरक्की देखी गई है, बहुत ज्यादा बरकत होती है उसे काम धंधे में, औलाद उसकी तरक्की करती है और माँ बाप का सुख भी उसे लंबे समय तक प्राप्त होता है, यानी कि उसके माता पिता की आयु भी लंबी होती है और खुद की भी आयु उसकी लंबी होती है। नेक्स्ट है चंद्रमा 4th हाउस, अब अगर चंद्रमा 4th हाउस में है तो कहा गया है राजा, कुल मिला के राजा मतलब कि सारी सुविधाएं सारे सुख ऐसे व्यक्ति के पास होंगे, जीवन में कभी धन की कमी नहीं होगी और एक राजा की तरह उसकी जिंदगी होगी। नेक्स्ट रूल है दुश्मन ग्रह, दुश्मन ग्रह कौन से, राहु शुक्र शनि 1 में या 5 में, 1st हाउस में या 5th हाउस में, अगर सूर्य के दुश्मन ग्रह राहु शुक्र शनि ये आके बैठ जाते हैं तो क्या कहा गया है, दुश्मन ग्रहों को ही मदद देगा, हर जगह इज्जत मान। ऐसा सूर्य जो है, क्योंकि सूर्य जो है 5th हाउस अपने घर में बहुत ज्यादा बलवान हो जाते हैं, और जब राजा खुद एक पावर में होता है, एक शक्तिशाली राजा जो होता है, तो ऐसे में उसके दुश्मन भी जो है उसको कुछ बिगाड़ नहीं पाते और वो भी उसके आगे सरेंडर कर देते हैं। ऐसे में राजा जो है, सूर्य जो है, अपने दुश्मन ग्रहों को भी सपोर्ट करता है और जीवन में हर तरह से इज्जत मान प्रतिष्ठा ऐसे व्यक्ति की बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट है सूर्य परस राहु, अगर सूर्य के साथ राहु बैठ जाए, जनरली कहा गया है कि सूर्य के साथ राहु जो है वो सूर्य को ग्रहण लगा देते हैं, पर यहाँ पे सूर्य खुद इतने बलवान हो जाते हैं कि वो राहु को ही उल्टा सपोर्ट करते हैं, तो यहाँ पे राहु जो है शांत रहता है, सूर्य को किसी प्रकार से खराब नहीं कर पाता। तो कहा गया है कि राहु की आयु 42-47 तक बहुत शुभ, बहुत अच्छा है धन की प्राप्ति, और ऐसा व्यक्ति अच्छा रुतबा प्राप्त करेगा, ऐसा व्यक्ति निश्चित तौर पर अपने जीवन के अंदर एक मुकाम हासिल करता है, समाज के अंदर उसकी बहुत ज्यादा इज्जत मान प्रतिष्ठा सम्मान देखने को मिलता है। नेक्स्ट है बृहस्पति उम्दा, अब बृहस्पति की अच्छी कंडीशन कब होती है, ये आपको पहले बृहस्पति के कुंडली के 12 हाउसेस के अंदर हम बता चुके हैं कि बृहस्पति किन हालात में अच्छे हैं और किन हालात में खराब हैं। तो आप अपनी कुंडली के अंदर बृहस्पति किस घर में है उनकी एग्जैक्टली कंडीशन देखने के लिए उससे रिलेटेड वीडियो को चेक कर सकते हैं। यहाँ पे हम शॉर्ट में समझेंगे, अगर बृहस्पति अच्छी कंडीशन में कुंडली में, सामान्यतः आपको बता रखा है कि 1st हाउस, 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस, इसके अलावा 8th हाउस में जनरली ज्यादा अच्छे नहीं रहते, 9th हाउस और 12th हाउस, इनमें बृहस्पति जनरली अच्छे फल देते हैं। बाकी हमने 12 ही घरों में बृहस्पति, जिन घरों में बहुत अच्छा फल देते हैं वहां भी खराब फल दे सकते हैं, और जिन घरों में खराब फल देते हैं वहां भी वो बहुत अच्छा फल दे सकते हैं, इसके बारे में बता चुके हैं। तो आप बृहस्पति के लिए वहां पे जाके चेक कर सकते हैं कि आपके बृहस्पति देव कुंडली में किस कंडीशन में है। अब अगर सूर्य 5 के समय बृहस्पति देव कुंडली में अच्छी कंडीशन में है तो क्या कहा गया है, ऐसे व्यक्ति की हर आरजू पूरी होती है, जिंदगी में जो सोचता है वो उसे मिलता है, और हर तरह से बरकत, धनी और बुध का फल भी नेक होगा, यानी कुल मिला के बहुत अच्छी कंडीशन है। अब कुंडली के अंदर बुध का फल भी अच्छा ही रहेगा, खराब नहीं होगा। अब अशुभ हालात में पहला पॉइंट है बृहस्पति 10th हाउस, अब बृहस्पति अगर 10th हाउस में है और सूर्यदेव 5th हाउस में, तो ये कंडीशन काफी खराब है। ऐसे में कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति की एक से ज्यादा शादियां होंगी और उसकी पत्नी की बार बार मृत्यु होगी। अब अगर पत्नी की बार बार मृत्यु होगी तो ऐसे व्यक्ति को गृहस्थ सुख तो प्राप्त जीवन में नहीं होगा, और अगर किसी कारण से उसकी पत्नी रहती भी है तो उसकी पत्नी किसी न किसी कारण से जिंदगी भर दुखी रहेगी, तो ये योग काफी खराब है। अगर बृहस्पति देव 10th हाउस में बैठते हैं तो हमें जब कुंडली को एनालाइज करते हैं और जैसे कुंडली मिलान करते हैं लड़के लड़के की, तो खाली ये नहीं देखा जाता कि आपने सॉफ्टवेयर में डाला और गुण कितने मिले, आपको कुछ योग ऐसे होते हैं जो देखने पड़ते हैं। अगर इस तरह के योग लड़के कुंडली में है, लड़की कुंडली में है, तो आपको उस विवाह को मना करना चाहिए, खाली योग मिलाने से कुंडली मिलान नहीं होता। तो यहाँ पे ये कंडीशन काफी खराब है। नेक्स्ट है शनि 3rd हाउस, अब देखिए शनि अगर 3rd हाउस में आ जाएंगे तो यहाँ बैठे शनि देव की तीसरी दृष्टि जाएगी आपका 5th हाउस पे। 5th हाउस किसका है, संतान का।
और यहाँ बैठे हैं सूर्य देव, तो सूर्य देव का फल खराब होगा और संतान अब फिफ्थ हाउस जब पूरी तरह डैमेज हो जाएगा शनि देव की तीसरी दृष्टि से, तो यहाँ पे कहा गया है कि लड़के पे लड़का मरता जाए, यानी कि संतान का फल पूरी तरह नष्ट हो गया, लड़के पे लड़का मरता जाए, दुखों का पहाड़, संतान बर्बाद होगी। अमूमन ऐसे व्यक्ति के अगर लड़का होगा तो उसकी मृत्यु देखी जाती है, और अगर वो मृत्यु नहीं होती है, लड़का कोई बच जाता है, तो वो बच्चा जो है जिंदगी में बर्बाद ही रहता है, जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर पाता, और ऐसा व्यक्ति खुद अपने संतान को लेके हमेशा परेशान रहता है, उसे अपने संतान से किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं होता है। तो ये काफी खराब कंडीशन है अगर शनिदेव थर्ड हाउस में आ जाते हैं। तो आज हमने चर्चा करी सूर्य देव फिफ्थ के शुभ और अशुभ हालात के बारे में। यहाँ पे देखिए प्रिकॉशन सिर्फ बताई गई है, प्रिकॉशन क्या है कि ऐसे व्यक्ति को हमेशा दूसरों के प्रति अच्छी सोच रखनी है, नेक दिल रहना है, दूसरों की मदद करनी है, तो यहाँ बैठे सूर्य देव के आप अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। और अगर व्यक्ति दूसरों के प्रति मन में ईर्ष्या की भावना रखता है, आपका दूसरों के बारे में गलत सोचता है, तो यहाँ बैठे सूर्य देव धीरे धीरे खराब होने लगते हैं, और उनके शुभ फल जो यहाँ पे बहुत ज्यादा शुभ फल मिलते हैं उनकी जगह अशुभ फल मिलने शुरू हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को नेक दिल रहना बहुत जरूरी है। तो आज हमने सूर्य देव के इन हालात की चर्चा करी। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे सूर्य देव जब छठा घर जो हमारे रोग ऋण शत्रु का है, छठे घर से रोग ऋण शत्रु इन सबको देखा जाता है, आपका आपकी डेली अर्निंग देखी जाती है, और कंपटीशन के अंदर सफलता, आप अगर कोई एग्जाम देते हैं कंपटीशन करते हैं तो उसके अंदर आपको कितनी सफलता मिलेगी ये भी छठे घर से देखा जाता है। इस घर में इसे पाताल कहा गया है, बारह घर आकाश है तो छठा घर क्या है, पाताल। अब पाताल में जब रोशनी के कारक सूर्य देव आके बैठेंगे तो किस तरह का फल देंगे इसके बारे में चर्चा करेंगे। वैसे तो छठे घर के अंदर सूर्य को सामान्यतः खराब कहा गया है, पर कुछ हालात के अंदर ये बहुत अच्छा फल भी देते हैं और कुछ हालात में काफी खराब फल देते हैं, क्योंकि जैसे मैंने आपको सभी प्लैनेट का बताया कि कोई भी प्लैनेट कुंडली के 12 ही घरों के अंदर शुभ भी हो सकता है और अशुभ भी हो सकता है। ये कहना कि कुंडली के अंदर आपका ये घर खराब है या ये घर अच्छा है ऐसा नहीं है, प्लैनेट की कंडीशन पर डिपेंड करता है। अब सूर्यदेव आठवां घर है, अब आठवां घर क्या है, मौत का घर, शमशान का। सूर्यदेव वहां बैठ के शुभ फल भी देते हैं, अशुभ भी देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि 6, 8, 12 का जो सिद्धांत है कि वहां पे जो खराब ग्रह हैं या पापी ग्रह हैं वो अच्छे फल देंगे और शुभ ग्रह नहीं, शुभ ग्रह भी बहुत अच्छा फल दे सकते हैं। तो इन्हीं सब बातों को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री।